नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट्स पोस्ट। आज सुबह भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का एक तीखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और यह पहली बार था कि न्यूजीलैंड से हारने के बाद गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम का दूसरा बैच आज जो है वो रवाना होने वाला है मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उससे पहले आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच गौतम गंभीर आए, और कोच गौतम गंभीर के आने के बाद सवाल लाजमी थे, तीखे उनसे पूछे जाएंगे। उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, पर जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो ये है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा आपको पर्थ टेस्ट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, ये ऑलमोस्ट आप कंफर्म मानकर चलिए कि रोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और आपके जो जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है वो आपको कप्तानी करते हुए पर्थ टेस्ट में नजर आएंगे। इस बात को आपको यहां पर क्लियरिटी मिल गई है। जब ये सवाल गौतम गंभीर से पूछा गया, उन्होंने बार बार कहा कि इफ इफ इफ, यानी कि अगर रोहित शर्मा नहीं होते, ये तो हमें पता है कि रोहित शर्मा नहीं होंगे, क्योंकि अगर होना होता तो वो साथ में जाते जरूर। तो पर्थ टेस्ट में आपके रोहित शर्मा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ऐसे में कप्तान कौन होगा? कई लोगों ने कहा किंग कोहली, किसी ने कहा ऋषभ पंत, पर गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कह दिया कि आपके जसप्रीत बुमराह जो कि वाइस कैप्टन है वो आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली को बैक किया है और रिकी पॉन्टिंग पर निशाना साधा, और साथ के साथ ये कहा है कि हमारी जो टीम है वो बेस्ट है और हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत हासिल करने वाली टीम है। हमें हार मिली है, जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको हम दोनों हाथ से एक्सेप्ट करते हैं, पर हम यहां से बेहतर होकर जाएंगे। और विराट कोहली रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा डिफेंड किया है, और उनका मानना है कि ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत कुछ किया है, अभी भी इनके अंदर हंगर बाकी है। सो अब लेट्स सी, मैच स्टार्ट होने वाला दोस्तों। भारतीय टीम रवाना हो चुकी है, अब भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच पर्थ में 22 नवंबर को खेला जाएगा। वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी सीरीज है। भारत को WTC फाइनल खेलेगी, इससे डिसाइड होगा। भारत के कई सारे खिलाड़ियों के करियर इससे डिसाइड होने वाले हैं। सो उम्मीदें बहुत सारी, आपको सारी जानकारी जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मैच से जुड़ी, स्पोर्ट्स की जुड़ी सभी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।